नील कमल का जो जलवा है ना, इंडिया में तो चलता ही है, अब दुबई में भी ना बखेर दिया है, यानी बिखेर दिया है। जी हाँ, नमस्कार, मैं नीजू, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने चैनल भोजपुरी काशी पे। तो जी हाँ, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो लाल बटन दिख रहा है ना, उस पर क्लिक मार दो। तो जी हाँ भाई साहब, नील कमल और नीलम गिरी, यानी एन फॉर नील और एन फॉर नीलम का जलवा इंडिया में नहीं भाई साहब, इंडिया में जो शूट किए जाते हैं गाने ना, वो तो आप देखते हो, लेकिन पहली बार दुबई से इन दोनों का गाना शूट हो रहा है। जी हाँ, कुछ फोटोग्राफ सोशल मीडिया पर जारी किए गए हैं और एकदम धमाल लग रहा है। नील कमल भी एकदम बोट पर एकदम, और जो कहते हैं ना दुबई के जो मॉडल है उनके साथ फोटोग्राफ शेयर किया जा रहा है, और भाई साहब काफ़ी ज़्यादा दमदार होने वाला। और ये सब कारनामा किया है किसने? वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स। जी हाँ, वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी ने यह कारनामा कर दिया है कि अब भोजपुरी सिंगर, जो एल्बम वाले सिंगर है, उनके भी गाने इंडिया में नहीं बल्कि विदेश में शूट किया जा रहा है। जी हाँ, दुबई के खूबसूरत लोकेशन पर, भिन्न भिन्न लोकेशन पर, चाहे वो रोड पर हो या बड़े बड़े बिल्डिंगों में हो या फिर मॉल्स में हो, आपको गाना देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से फोटोग्राफ जारी किया गया है ना, नीलम गिरी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी कर दिया है, और नील कमल का फोटोग्राफ रिलीज किया गया है, कई लीक किया गया है, और कई सारे फोटोग्राफ और भी है, यानी कि एकदम बिंदास, एकदम फुल फाड़ू फ्लैश वाला गाना। अब गाना कैसा होगा यह तो देखने के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन जो कारनामा, जो इतिहास वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स ने रच दिया है, और साथ ही साथ जो सिंगर हैं, नील कमल हो या फिर और भी तमाम सिंगर, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल नील कमल का फोटोग्राफ जारी किया गया है, तो नील कमल और नीलम गिरी का एकदम धमाकेदार वीडियो सॉन्ग ना आपको बहुत जल्द ही वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी का ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। तो भैया तैयार रहिए, कुछ ही दिनों में, 2 4 5 6 दिन के अंदर, या क्योंकि अभी वीकेंड का वार चल रहा है, अभी वर्ल्ड वाइड पे कई सारे गाने लाइनअप डाल दिए गए हैं, तो थोड़े दिन के बाद, 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद आपको गाने देखने को मिलेंगे, और वो भी दुबई वाले खूबसूरत लोकेशन पर। फिलहाल फोटोग्राफ आपको कैसा लग रहा है, कैसा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।